ओम शांति। आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है जिसका नाम है निश्चय बुद्धि विजयंती। और इस प्रोग्राम के माध्यम से हम बाबा के निश्चय बुद्धि रत्नों के अनुभवों को सुनेंगे और निश्चय की क्या जरूरत है हमारे ब्राह्मण जीवन में, किस प्रकार से निश्चय के आधार से बाबा के बच्चे हर बात में विजयी बने, हम उसको जानेंगे, उनके अनुभवों से लाभ प्राप्त करेंगे। और आज के हमारे जो अनुभव शेयर करने के लिए बाबा के विशेष रतन है, विजयी रतन है, हम उनको समय प्रति समय टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सुनते ही आ रहे हैं। और आज हमें मौका मिला है कि हम बाबा के ज्ञान में कैसे उन्होंने बाबा के ज्ञान को यूज़ किया। हम डॉक्टर अवधेश शर्मा जी, आपका स्वागत करते हैं और बहुत खुशी हो रही है आपको देखकर, रूबरू होकर। मिलते तो रहते हैं ऐसे आपसे टीवी से और यूट्यूब से, और बहुत अच्छा लगेगा कि आप भी हमें अपने अनुभव बताएं। आप लगभग 30 वर्षों से इस ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में आपने अपनाया है, और मैं थोड़ा सा आपको इनकी लौकिक जो प्राप्तियां हैं वो भी बताना चाहूंगी। डॉक्टर अवधेश शर्मा, यू हैव बीन अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, और आपने बहुत एक्सटेंसिवली प्रिंट, रेडियो और टेलीविजन में अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स दिए हैं, सबको लाभान्वित किया है। यू ऑल्सो बीन द इंटरनेशनल लीड ऑन पब्लिक एजुकेशन फॉर द वर्ल्ड साइकियाट्रिक एसोसिएशन, चेयर ऑफ द WPA सेक्शन ऑन स्पिरिचुअलिटी एंड मेंटल हेल्थ, एंड चेयर ऑफ द स्पिरिचुअलिटी एंड मेंटल हेल्थ टास्क फोर्स ऑफ इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी। एंड यू ऑल्सो बीन द इंटरनेशनल डिस्टिंग्विश्ड फेलो ऑफ अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन एंड द पास्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट साइकियाट्री। बहुत सारे आपके पास, हम कहेंगे बहुत सारी, बाबा ने आपको लौकिक अलौकिक रीति से संपन्न बनाया है। सो डॉक्टर अवधेश, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने माइंड के ऊपर बहुत कार्य किया है और आप इंटरनेशनली भी लीड कर रहे हैं, यू कनेक्टिंग स्पिरिचुअलिटी एंड मेंटल हेल्थ, तो हम ये जानना चाहेंगे कि निश्चय बुद्धि बनने के फायदे क्या हैं, माइंड हमारा उसको क्या जरूरत है, हम क्यों बने निश्चय बुद्धि। आप थोड़ा हमें अपने जो आपने साइकियाट्रिक जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उससे आप हमें बताएं। ओम शांति सेन दीदी, इट्स अ प्लेजर एंड प्रिविलेज आज इस शो पे निश्चय बुद्धि विजयंती पर और मैं स्वागत करना चाहूंगा। एक्चुअली जो सोल्स जुड़ती हैं ORC के माध्यम से उन सब का, क्योंकि इस समय में जो हमारा एक स्लोगन है जिससे कि हम सब आप एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, ओम शांति का, उस स्लोगन को बोलने की नहीं लेकिन उस स्लोगन को आत्मसात करने की जरूरत है, अपने अंदर महसूस करके उसी को रेडिएट करने की जरूरत है। क्योंकि आज के समय में जब बाहरी रूप से एक बहुत बड़ा क्राइसिस सा लोग महसूस कर रहे हैं, तो अगर हम अंदर से अपने आप को स्टेबल महसूस करते हैं तो उसी के साथ साथ वो स्टेबिलिटी हम दूसरों को दे पाएंगे और जो क्रूशल डिसीजंस हैं वो सब ले पाएंगे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, जैसे कि आपने कहा कि उसके फायदे क्या हैं। मान लीजिए एक डॉक्टर है, वो पेशेंट को देखता है और कहता है कि अच्छा ये दवाइयां शुरू कीजिए। अब उन्होंने दवाइयां जो डिसाइड की वो अपनी परखने की शक्ति और निर्णय लेने की शक्ति से उन्होंने मे बी 10 में से 1 दवाई चूज की। मान लीजिए वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं और निश्चय नहीं है उनको या अपने पे या अपनी जो नॉलेज है उस पे, और वो 2 मिनट बाद पेशेंट को वापस बुलाते हैं, कहते हैं अच्छा रुको रुको, मैं ये जो दवाई है ना ये मेरे ख्याल से बेस्ट नहीं है, मैं दूसरी दवाइयां आपको लिख के देता हूँ।
और फिर जैसे ही वो पेशेंट घर पहुंचता है तो वो फिर से उसको फोन करके कहते हैं कि अच्छा मैं एक तीसरी प्रिस्क्रिप्शन आपको भेज रहा हूँ, क्योंकि मेरे को निश्चय नहीं था कि जो मैंने आपको लिखा वो आपके लिए सही होगा कि नहीं। पेशेंट चाहे पहले से ठीक हो, दूसरी से ठीक हो या तीसरी प्रिस्क्रिप्शन से ठीक हो, लेकिन उसकी बुद्धि में जरूर ये आ जाएगा कि ये डॉक्टर कॉन्फिडेंट नहीं है। और अगर यही चीज हमें निश्चय लेने की ना आए, तो अगर आप आईसीयू में हैं जहाँ पे कि हर सेकंड में आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम जब कुछ सोचते हैं और जैसे ही हमें लगा कि हाँ इस इंफॉर्मेशन के इस समय में यही बेस्ट सॉल्यूशन है, तो हम निश्चय बुद्धि होके उसका निर्णय ले लें, उसकी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में ना रहें। और अगर अभी एक्शन करना है तो एक्शन कर ले, अगर फ्यूचर के लिए वो एक्शन है तो तब तक पेंडिंग कर दे, और तब अगर जरूरत पड़े तो थोड़ी देर के लिए सोचें, फिर निश्चय करें और एक्शन में आ जाए। नहीं तो बार बार जितनी बार हम उसको सोचते रहेंगे और एक्शन में नहीं लाएंगे तो वो हमारी बुद्धि को कंफ्यूज कर देगा। और इसीलिए साइकोलॉजिकली भी हमें एक्चुअली बच्चों को ट्रेन करना चाहिए कि कैसे आप क्विक डिसीजंस लें, निश्चय बुद्धि बने, तभी जाके फ्यूचर में विजयंती होंगे, नहीं तो उसी कंफ्यूजन में रह जाएंगे। तो आपने ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई जो हर एक के ऊपर एप्लीकेबल है कि अगर निश्चय नहीं होगा तो हम एक्शन में ही नहीं आएंगे, और जब एक्शन नहीं है तो वास्तव में हमने कोई भी चीज़ अपने थॉट्स को साकार भी नहीं किया। बाबा ने निश्चय के कई आयाम बताए हैं और उसमें से पहला है स्व में निश्चय। तो स्व में निश्चय से विजय होती है। ऐसा कोई अनुभव आपके जीवन में हो, आप तो बाबा के नॉलेज को साकार में या प्रैक्टिकल में अप्लाई कर रहे हैं लगभग 30 वर्षों से, तो कोई ऐसी घटना हो या कोई ऐसी बात आप हमसे शेयर करना चाहें जिसमें आपने अपने में निश्चय किया और आपको विजय मिली हो? मैं कहूंगा कि जो पहला ही बीज एक तरह से पड़ा 30 साल पहले, उस समय में बाबा के बारे में तो खैर कुछ भी नहीं जानते थे, ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में भी नहीं जानते थे, मैंने कभी नाम नहीं सुना था, व्हाइट साड़ी नहीं देखी थी किसी बहन को पहने हुए। और वहां पे एक निमंत्रण आया, और कारण नहीं मैं अब भी जानता हूँ, लेकिन थोड़ा सा समझ आ रहा है। और बाद में जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो ऑफ कोर्स इट वाज अ पार्ट ऑफ अ बिगर प्लान आई वुड से। लेकिन उस समय एक निमंत्रण आया, इंडिया में बैठे हुए ऑस्ट्रेलिया से निमंत्रण, कि एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक बहुत पावरफुल रिट्रीट होगी करीबन 7 दिन के लिए, और अगर आप उसमें ज्वाइन कर सके हमें। तो टाइम बहुत प्रेशियस था उसमें, बिकॉज आई वॉज रियली एट द पीक हर चीज में, हर क्षेत्र में, प्रोफेशन में, प्रोफेशन की जो पॉलिटिक्स होती हैं, प्रेसिडेंट ऑफ दिस एंड दैट, एंड टेलीविजन में, इन सब में बहुत काम कर रहा था। तो मैंने कहा 7 दिन तो क्या, मैं तो 7 घंटे भी रोज में नहीं निकाल पाऊंगा। पर फिर अंदर से कहीं से आवाज आई, क्योंकि एक और हिस्सा था जिंदगी का जो कि सच कह लें या पर्पस ऑफ लाइफ क्या है ये कह लें, या किस वजह से जो हम करते हैं, मैं जो मैं हूं या किसी प्रोफेशन में हूं वो क्या है, मतलब ये जो बाकी बाहरी चीजें हैं इनके बियॉन्ड मैं क्या हूं, तो वो भी एक सोच पैरेलली चलती थी। और वहां पे निश्चय किया कि कुछ भी हो, टाइम निकाल सकता है इंसान अगर जरूरत हो, अगर आप बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल में भी टाइम तो निकल ही जाता है। तो निश्चय लिया, और शायद वो जिंदगी का एक सबसे इम्पोर्टेंट निश्चय था, क्योंकि वो निश्चय लेने के बाद मैं माउंट आबू पहुंचा, और माउंट आबू पहुंच के वहां पे रुका, और उस समय में ये तब बाकी शांतिवन वगैरह नहीं थे, लेकिन ऊपर ही पांडव भवन जो कि मेन हेडक्वार्टर्स है ब्रह्मा कुमारीज का, वहां थे, और वहां पे करीबन 100 लोग थे 16 कंट्रीज से, और 20-25 जो यज्ञ के जिनको बड़े कहा जाता, सारी दादियां थी तीनों समय, दादी गुलजार, दादी काशमणि, दादी जानकी, जो तीनों आज नहीं है भौतिक रूप से, और सारे बड़े ब्रदर्स, अनिवैर भाई, प्रजमन भाई,
रमेश भाई, मृत्युंजय भाई, कर्णा भाई सारे थे, और उनके साथ सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे तक डिस्कशंस भी होती थी और साथ ही साथ मेडिटेशंस भी होते थे, डीप एक्सपीरियंसेस। मैं इसके बारे में जानता था, पढ़ा था, लेकिन एक्सपीरियंस कभी नहीं किया। लेकिन उसके साथ थर्ड डे पे, सेकंड डे इवनिंग पे एक्चुअली कुछ मन के अंदर अजीब सा होना शुरू हुआ, बहुत सुखद फीलिंग। एंड एक्चुअली जैसे ही मैं वहां पहुंचा और एंटर किया जिस पहले दिन ही शाम को, तो वहां पहुंचते ही मैंने देखा एक वहां पे बहुत बड़ा म्यूरल है जिसमें कि श्री कृष्ण जो है वो माखन खा रहे। तो एंटर करते ही मैंने पहला सेंटेंस जो मुंह से निकला था कि यू हैव बीन हियर बिफोर, कि मैं पहले भी यहाँ पे आ चुका हूँ। ये एज अ साइकोलॉजिकल थिंग मैं समझता था कि आपको कभी कभी आभास होता है कि आप किसी जगह पे हो, थे, किसी व्यक्ति से मिले, जो और मैं उसी फ्रेम ऑफ माइंड में था। और सेकेंड डे से मुझे एक्सपीरियंसेस होने शुरू हुए जिसमें कि अचानक ऐसा लगा कि शरीर की जो इच्छाएं हैं, चाहे भोजन है चाहे नींद है, वो कम महसूस हुई, लेकिन एक अपार खुशी, अपार सेंस ऑफ आई वुड से एक्स्ट्रा एनर्जी जो कि आपको जैसे उड़ा रही है। और साथ ही साथ एट मेंटल लेवल कई तरह के एक्सपीरियंसेस, जैसे कि पैरासाइकोलॉजिकल फिनोमेनन को बोलते हैं, जैसे कि पूर्वाभास जो होने वाला है कुछ देर बाद वो महसूस हो जाना, या दूसरा क्या व्यक्ति सोच रहा है, टेलीपैथी, वो कुछ हद तक पता लग जाना। और यही एक्सपीरियंसेस 3 दिन तक चले, और वो एक्सपीरियंसेस इतने पावरफुल थे, हालांकि बाहरी रूप से लोगों को सिर्फ यही लग रहा था कि हाँ ये आप बहुत इन्वॉल्व हैं, आप बहुत एनर्जेटिक हैं, आप बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर जो हो रहा था मैं महसूस कर रहा था, एंड अ पार्ट ऑफ मी वाज आल्सो सेइंग कि अवधेश तुम ठीक हो के नहीं, साइकोलॉजिकली कुछ हो तो नहीं रहा, कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। लेकिन मैं ये भी समझता था कि ऐसे एक्सपीरियंसेस स्पिरिचुअल रिट्रीट्स में होना पॉसिबल है। और मुझे उस समय लगा कि जब आपको कोई भी चीज इंस्टिंक्टिवली लगे कि ये आपके भले के लिए है और आपको लगता है कि इससे कुछ प्राप्ति हो सकती है, तो वहां पे बाहरी चीजों को छोड़कर वो जो निश्चय है, इनर वॉइस कह लीजिए, उस पर चलना बहुत जरूरी है। वो जो एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस से एक बीज पड़ा कि किस तरह से मैं साइकोलॉजी को और स्पिरिचुअलिटी को इकट्ठा लेके चल सकता हूँ। शायद वही मेरा पर्पस था लाइफ का और अब भी है। लेकिन उसी के साथ एक सेकंड चीज हुई जिसने उस निश्चय को और पक्का किया, वो ये थी कि उस समय मैं ऑकेजनली अल्कोहल लेता था, सोशल ड्रिंकिंग जिसको कह सकते हैं, काफी आम है वैसे मेडिकल प्रोफेशन। तो जब पहुंचा दिल्ली वापस, वहां पे पार्टी थी, उस पार्टी में शाम को बियर का ग्लास लिया, जैसे सिप ली, तो उसी के बाद मुझे वॉमिटिंग होनी शुरू हो गई, एंड देयर वाज एन इंटेंस डिसलाइक फॉर इट। वो आज भी कायम, 30 साल बाद भी मैं उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकता हूँ। अगर किसी जगह पे लोग पी रहे हैं, बंद कमरा है, तो मुझे हेडेक होना शुरू हो जाता है, मुझे वहां से बाहर जाना पड़ता। तो मेरे लिए जो मैं प्रैक्टिस कर रहा था साइकियाट्रिस्ट की, और उस समय मैं बहुत सारे एडिक्ट्स को देखता था, अल्कोहल एडिक्ट्स को, दूसरे एडिक्ट्स को, तो वहां पे ये बीच कि आपकी अगर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो तो आपकी बॉडी में जो भी हो रहा है वो चीज ठीक हो सकती है। और वो चीज बाद में 30 साल बाद, 2 साल पहले जब मुझे कैंसर हुआ, तो उस दौरान में वही चीज जो पहले मैंने एक्सपीरियंस की थी, और उस चीज का निश्चय हुआ कि हाँ अगर आपकी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस शिफ्ट होती है तो आप अपने शरीर को और मन को भी दुरुस्त रख सकते हैं। और वहां से फिर एक जर्नी शुरू हुई। उस जर्नी में मैंने नॉलेज को लेना शुरू किया, जिसको 7 डेज कोर्स कहते हैं, वो मैंने वापस आने के बाद शुरू किया गीता दीदी, शांति दीदी, सरोज दीदी के साथ सिरी फोर्ट दिल्ली में। और फिर वो जर्नी चलती रही, और साथ में फिर मेरी वाइफ जो है डॉक्टर सुजाता,
वो भी जुड़े, तो एक निश्चय आपकी जिंदगी को बदल सकता है और वो निश्चय फिर आपको फ्यूचर में विजय दिला सकता है कई चीजों के ऊपर। तो वो जो मेरे ख्याल से पर्सनल एक्सपीरियंस था एक सही निश्चय लेने का, क्योंकि मैं ये भी सोच सकता था कि कौन 7 दिन के लिए जाएगा, छोड़ो काम ठीक चल रहा है, वाई टेक दैट चांस। तो जहां पे आपकी अंदर की आत्मा बोले कि आपको कोई चीज कोई बात लेना है, तो आई थिंक वहां पे निश्चय लेना। और अगर आपका कनेक्शन भगवान के साथ है, जो कि मेरा था उस समय, तो आप उसके साथ अगर राय लेते रहते हैं, और अब तो खैर बहुत अलग लेवल पे है, तो आप जब राय लेते रहते हैं और आपको राय मिलती है कि हाँ फॉलो दिस पाथ, तो आपको जरूर करना चाहिए। बहुत सुंदर आपने ये अनुभव बताया, और जरूर बाबा ने तो चुना था, लेकिन आपने अपनी जो अंदर की आवाज आप कहते हैं कि उस पे हमें निश्चय रखना है, और उस पे निश्चय रहेगा, और जो आपने जो बताया कि अगर हमारी कॉन्शियसनेस उसको शिफ्ट हम करते हैं तो हमारी बॉडी भी एक प्रकार से वो हील करती है, जो आपका बहुत सुंदर अनुभव है। दूसरा जो बाबा में कहता है कि बाबा में, बाप में निश्चय हो, तो आपका बाप में निश्चय कैसे हुआ? क्योंकि परमात्मा आकर साकार में ज्ञान दे रहे हैं, ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा आकर ज्ञान दे रहे हैं, साकार ब्रह्मा रथ चले गए दादी हृदय मुनि, दादी गुलजार के माध्यम से, तो आपने तो वो अनुभव किया है, तो वो निश्चय आपको कैसे हुआ कि हाँ दिस इज गॉड स्पीकिंग थ्रू द चैरियट ऑफ दादी गुलजार, दिस इज गॉड स्पीकिंग? सचमुच कहूं तो शुरू में निश्चय नहीं था, क्योंकि साइंटिफिकली ये बातें वो कहता है कि हर चीज का प्रूफ चाहिए, तो प्रूफ में जिसको हम डबल ब्लाइंड स्टडीज कहते हैं वो चीज तो इस चीज में हो नहीं सकती। लेकिन साइंस में भी अब ये बात महसूस हो रही है कि कहीं ना कहीं जो हमारा फेथ है, जो हमारा किसी चीज पे आस्था है, वो हमारी थिंकिंग को और इवेंट्स को बदल देती है। शुरू शुरू में जब डॉलिश देखनी शुरू की, मुरलियां पढ़नी शुरू की, बहुत कष्ट होता था, आई विल बी वेरी फ्रैंक। कष्ट इसलिए होता था क्योंकि एक तो लैंग्वेज जो थी वो पूरी तरह से नहीं समझ आती थी, लेकिन जैसे जैसे आनी समझ शुरू हुई और फिर उस ज्ञान का रहस्य पता लगना शुरू किया, और फिर हमने उन्हीं प्रिंसिपल्स को, मैंने और सुजाता ने उन प्रिंसिपल्स को रोजमर्रा की जो क्लिनिकल प्रैक्टिस थी उसमें लगाना शुरू किया, तो हमने पाया कि एक्चुअली इट इज वेरी वंडरफुल कि इस तरह का ज्ञान जिसमें कि आपके मन के बारे में कैसे कंट्रोल करना है, सिचुएशंस को कैसे डील करना है, हमारे मन की क्या क्या लेयर्स हैं, वो आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, किस तरह से हमें अपना एक लक्ष्य रखना है, हमारा एक पर्पस है, एक ड्रामा है, ये सारी चीजें धीरे धीरे समझ आ। और वहां पे मैं ये कहूंगा कि अगर हम फंस जाते हैं कि शुरू में मुझे सारी बातों का पता होना चाहिए, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप फर्स्ट क्लास में हैं और आप सोचे कि पीएचडी का ज्ञान कैसा होता है, मुझे 100% अभी पता होना चाहिए, तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो वहां पर थोड़ा सा ये फेथ रखकर और ये समझकर कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, अगर आप उन चीजों को अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करना शुरू करते, अपनाना शुरू करते, तो आप देखें कि उससे क्या फायदा होगा। दिस इज व्हाट वी स्टार्टेड। और फिर एक समय आया जब ऐसा लगा कि जो जो चीजें हो रही हैं वो चीजें पहले से ही ज्ञान में है, जो जो प्रिंसिपल्स हम साइकोलॉजी में पढ़ रहे हैं या अपना रहे हैं वो पहले से ही ज्ञान में है। और क्योंकि एक बीज पड़ चुका था एक साथ के अनुभव का ऑन द वेरी फर्स्ट डे इटसेल्फ, तो वो बहुत काम आया आई वुड से पर्सनली। और वहां पे ये, और जिस तरह की लैंग्वेज है वो कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं बोल सकता, आप और हम अगर बोलने की भी कोशिश करें तो उस तरह का फ्लो आ ही नहीं सकता। मैंने बहुत से लोगों को सुना है, पढ़ा है, बहुतों के साथ गुरुज जो हैं ज्ञान में आने से पहले भी उनके साथ कई जगहों पर मिला हूँ, बाद में भी मिला हूँ, और अब मेरा जो थोड़ा सा रोल चल रहा है जैसा आपने बताया कि इंटरनेशनली
मैं एक चेयर हूँ ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्पिरिचुअलिटी और मेंटल हेल्थ को कैसे एक दूसरे के साथ बांध के चल सकते हैं, इसके बारे में बातें हो रही हैं। तो वहां पर मैंने किसी भी व्यक्ति को उस खूबसूरती के साथ जिंदगी के एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लेन करते नहीं देखा। जो आपको जीने के लिए चाहिए उसे एक्सप्लेन नहीं करते देखा, और फिर जहां पे आपको जिस चीज की जरूरत है वो चीज जिंदगी में मिलती गई। बाबा को जब भी साथ लिया तो डिफिकल्ट सिचुएशंस भी इजी हो गए। अगर आप किसी कारण से अंदर से थोड़ा सा अनस्टेबल महसूस कर रहे हैं या बहुत ज्यादा बाहर कंफ्यूजन है, उसमें आप अपने आप को बैलेंस करने के लिए उनको बुलाते हैं और वो साथ में आपके आते हैं, तो वो चीज बहुत आसान हो जाती है इस चीज का एक्सपीरियंस। और फिर ये एक्सपीरियंस कि आप जब बहुत मुश्किल वाले समय में भी जो बाहरी रूप से मुश्किल वाला लगे, लेकिन उस समय में उस ज्ञान को लगाते हैं, यूज करते हैं, तो उससे पार भी हो जाते हैं और मुश्किलों के दौरान भी आपको महसूस नहीं होता। मेरे को जब हार्ट का एकदम अटैक आया था 5 से करीबन 5 साल पहले, सुबह आना शुरू हुआ, शाम तक और बाबा को साथ बुलाया, कहा कि ओके यू हैंडल, शाम तक मेरा सब कुछ होके स्टेंट पड़ चुका एंड आई वाज सेफ। यही चीज 2 साल पहले कैंसर हुआ, एक दिन में पता लगा, 5 दिन में दे सेट, सब कुछ छोड़ दो, ट्रीटमेंट शुरू कर लो। तो वहां पर जिस जिस तरह से इवेंट्स होते गए और जिस तरीके से साथ मिला भगवान का भी और दूसरों का भी, और वो गाइडेंस मिलती रही, तो ये क्लैरिटी की ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग के द्वारा नहीं हो सकता। This has to be a very special power. और वो जो special power है, वो normal इस दुनिया की नहीं है, वो बहुत ऊंची है, लेकिन साथ ही साथ ऐसी है कि आप उससे कनेक्ट कर सकते। हमारे लिए ये एक availability of God बहुत एक सुखद अनुभव था और अभी है। और जैसे जैसे समय बीतता गया और आपके एक्सपीरियंसेस पक्के होते रहे, वहां पे मैं कहूंगा कि अगर हम शुरू से ही बहुत ज्यादा डाउट करना शुरू कर देते हैं या हम हर चीज को हर समय पे टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, टेस्ट टेस्ट के रूप में अगर ना करें लेकिन उसको सहयोग के रूप में अगर करें, अपना भी सहयोग दें, उनका भी सहयोग दें, तो इसमें कोई डाउट नहीं रहता उस समय फिर कि आप किसी स्पेशल पावर के द्वारा कनेक्टेड हैं, और वो स्पेशल पावर है। और फिर बात ये भी समझ आई कि अगर मैं हिंदी बोलता हूँ और किसी अमेरिका में बात कर रहा हूँ तो मुझे इंटरप्रेटर चाहिए ताकि वो मेरी लैंग्वेज समझ सके एंड वाइस वर्सा। तो सुप्रीम पावर को भी अगर अपनी बात को हमारी लेवल तक पहुँचाना है तो उनको एक इंटरप्रेटर या इंटरलोक्यूटर चाहिए जो कि उस चीज को हम तक, हमारी भाषा तक लेके आ सके, लेकिन जो उसकी बेसिस है, जो उसका सीड है, जिसका ज्ञान है, दैट कैन नॉट बी ऑफ दिस वर्ल्ड। और ये बात फिर धीरे धीरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से और नॉलेज को देख के समझ में आनी शुरू हो गई। बहुत सुंदर आपने बताया कि आपने पहले फेथ रखकर एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी, क्योंकि कई बार हम आगे बढ़ते हैं किसी पाथ पर तो पूरी डेस्टिनी, पूरा पाथ नहीं दिखता लेकिन थोड़ा सा दिख रहा होता है। तो आपने वो फेथ से एप्लीकेशन स्टार्ट की, और ऑफ कोर्स आपके पास जो लौकिक नॉलेज थी उससे आपने टेस्ट भी किया, और बहुत अच्छा आपका अनुभव है कि ज़रूर ये परमात्मा का एक सुपर पावर का ही ज्ञान है। वो मीडियम तो साधारण लेंगे लेकिन जो पावर है वो एप्लीकेशन अगर बिल्कुल हमारे प्रैक्टिकल जीवन में सटीक बैठ रही है तो वो परमात्मा ही होगा। और समय तो आगे बढ़ रहा है लेकिन आपने एक टेस्ट की भी बात की थी, तो टेस्ट से संबंधित चीज पूछेंगे कि कई बार जब हम इस नॉलेज में होते हैं तो सिचुएशन या लोग हमारी को टेस्ट करते हैं इस नॉलेज के माध्यम से, या यू नो जो बाबा में फेथ है वो भी कई बार टेस्ट हो जाता है। तो कोई ऐसी आपके जीवन में कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी बात रही हो, और
साथ ही साथ आप ये भी बताएं कि आपने अपने इस जो 30 इयर्स जो आप एप्लीकेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी और राजयोग और बाबा के ज्ञान को अप्लाई कर रहे हैं, ऐसी कौन सी जीवन में धारणा बनाई है जिससे आप इन सभी टेस्ट पेपर्स को क्रॉस कर लेते हैं, पास कर लेते हैं? तो कोई एक संक्षिप्त में आप हमें घटना भी बताएं और वो धारणा भी घटनाएं बताएं। तो एक्चुअली बहुत हुई हैं। एक जैसा मैंने अभी कहा कि कैंसर का हुआ, और 4-5 दिन में ही आपका डायग्नोज हो जाना और ये पता लगना कि पूरी बॉडी में फैल चुका है, तो आपके पास समेटने के लिए भी समय नहीं होता है। बट वहां पे फेथ था कि अगर कोई पर्पस है जिंदगी का तो मैं भौतिक रूप से भी जा नहीं सकता, और अगर नहीं है तो मेरे रहने का कोई फायदा नहीं। तो इस ही फेथ से मैं और मेरी वाइफ और बेटी चलते रहे, एंड बाय हाफ ऑफ द कीमोथेरेपीज दे सेड दैट यू हैव डन वेरी गुड जॉब ऑफ नॉट हैविंग द कैंसर एनी लॉन्गर। और आज 1.5 साल हुआ है आई एम कैंसर फ्री विद बाबा की छतरी के साथ। आप टेस्ट की जब बात करते हैं तो कई बार बाहर से भी टेस्ट आते हैं। मुझे याद है कि शुरू शुरू में जब पहली बार मैं वहां गया था ब्रह्म कुमारीज के माउंट आबू में, और वापस आने के बाद मेरी वाइफ को बहुत सारे मेरे दोस्तों ने कहा कि उनको संभाल लो, कुछ पकड़ लो, नहीं तो ये अटक जाएंगे, भटक जाएंगे, लटक जाएंगे वहां पर। और जब प्रोफेशनली आप एक अलग ग्रुप से चल रहे हैं और आपकी एक्सेप्टेंस होती है, एंड सडनली आप प्रोफेशनली अच्छे हैं लेकिन आसपास के लोग कहते हैं कि अच्छा कुछ नॉर्मल नहीं है इसमें, कुछ अलग हो गया है। वो अलग का मैं मतलब समझ सकता हूँ कि मैं उन चीजों पे, जिन चीजों पे पहले शायद परेशान हो जाता था या लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप परेशान हो जाएंगे, वो नहीं होता था। जो माइनर चीजें होती थी, इश्यूज उठते थे ऑर्गेनाइजेशन में या प्रोफेशन में, उनको आप उपराम होके देखते हैं, और यही बाद में भी रहा और धीरे धीरे और पक्का होता है। तो वो जो टेस्ट है जब बाहर वाले आपको वैसा ही एक्सेप्ट नहीं करते, या इंटरनली टेस्ट आते हैं क्योंकि शुरू में आपके अपने भी जो है घर वाले भी जो है कई बार, हालांकि हम बहुत लकी रहे हैं कि मेरी वाइफ ने एक्सेप्ट किया, बेटी ने एक्सेप्ट किया, दूसरे लोगों ने एक्सेप्ट किया, पर वो एक स्टेज के बाद जब उनको लगता है कि प्राप्तियां बहुत हो रही हैं और वो अपनी जीवन में जब किसी दौर से गुजर रहे हैं और आप जो कह रहे हैं वो चीज उनकी हेल्प करती है, तो फिर उसके बाद उनका नजरिया बदल जाता है। लेकिन शुरू शुरू में ये चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं, और मैं समझता हूँ कि जो लोग शुरू शुरू में आते हैं बहुत अच्छा लगता है और जल्दी छोड़ जाते हैं क्योंकि बाहर वालों ने प्रेशर दिया या बाहर से उनको लगता है कि एक्सेप्टेंस नहीं है, तो अगर उनको अच्छा लग रहा है और अगर वो कुछ ऐसा नहीं कर रहे जो सोसाइटी के अगेंस्ट है, या कोई ऐसा नहीं कर रहे जिससे उनके काम पे फर्क पड़ता है, और ज्ञान में तो आप जहाँ पे हैं लौकिक में हैं वहां पे रह के उस ज्ञान को अर्जित करके उस जगह पे लगा के और अपने आसपास वालों में बांटने की बात है। तो आई वुड से कि ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट आते हैं इसलिए ताकि आप कितने पक्के हैं वो चेक हो सके और आपको अपने अंदर की जो शक्तियां हैं भरने का मौका मिल सके, और जब आप वो कर पाते हैं तो आप उस टेस्ट के बाद भी एक नए आयाम पे आते हैं जिससे कि आप ना सिर्फ टेस्ट पास कर लेते हैं लेकिन आगे के लिए भी आपके कई रास्ते खुल जाते हैं क्योंकि आपने उस मुश्किल सिचुएशन को पार करके विजयंती का जो एक्सपीरियंस किया, तो वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है, आपकी आस्था को भी बढ़ाता है, आपका बाबा के साथ कनेक्शन भी बढ़ाता है, और फिर धीरे धीरे बाहर वालों को भी ज्ञान की और अपने अंदर आस्था को रखने की, विश्वास को रखने की एक लेसन भी देता है, नॉलेज भी देता है, और यही चीज की आज के समय में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा। बहुत ही सुंदर, आपने बहुत डीप अपने अनुभव बताए हमें, और एक जैसे मैं कहूंगी कि एक प्रैक्टिकल आपने रियल लाइफ में लोगों के साथ क्या घटित होता है
कई बार लोग हमारा टेस्ट पेपर लेते हैं, कई बार हमारे अंदर से ही हमारे संस्कार हमारा टेस्ट पेपर लेने लगते हैं, हमारी शरीर की व्याधि एक बहुत बड़ा टेस्ट पेपर लेती है। लेकिन आपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के द्वारा हमें बताया कि कैसे हम निश्चय के आधार पर उससे पार हो सकते हैं, और ना ही पार होंगे लेकिन हम विजय रत्नों में आ जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपके अनुभवों को सुनकर। लास्ट में हम इसे क्लोज करने से पहले बस आपसे लास्ट, आपके अनुसार कि कौन सी अभी हम सभी एक धारणा बनाएं कि निश्चय बुद्धि विजय रत्नों की लिस्ट में हम सभी आ जाएं आपके अनुसार, तो बस एक लाइन में अगर आप हमें बताएं। भगवान पे निश्चय, अपने परिवार पे निश्चय, अपने जो हमारे अंदर शक्तियां हैं, गुण हैं, उन पर निश्चय, अलौकिक रूप से जो हमारे बड़े हैं उन पर निश्चय, और ड्रामा पर निश्चय, ये समझ के कि मेरा जो रोल है वो परफेक्ट है और किसी पर्पस के लिए हूं मैं यहाँ पर, सिर्फ खाने पीने सोने काम करके पैसा कमाने के लिए नहीं, उससे हायर पर्पस है। तो अगर हम उस पर्पस को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं तो, और भगवान का हाथ और साथ लेके हमेशा चलते हैं और बड़ों से गाइडेंस लेते रहते हैं, तो निश्चय बुद्धि होने के बाद विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। बहुत ही सुंदर आपने सार में हमें वो ज्ञान भी याद दिला दिया, एंड वी होप कि आप ऐसे ही बाबा के विजय रतन हैं और विजय माला में भी आए। यही हमसे, यही हमारी आपके लिए शुभ भावना, शुभकामना है। सो थैंक यू सो मच अवधेश भाई फॉर कमिंग ओवर, शेयरिंग योर टाइम एंड योर एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ अस, एंड आई एम श्योर हम सब ने जो सुना है एवरीबडी विल टेक बेनिफिट फ्रॉम इट। थैंक यू थैंक यू वेरी मच, प्लेजर, थैंक यू। शांति। Thank you.